हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अभी हम निकल रहे हैं अनुगुल के लिए। आज जाएंगे क्रेटा में जाएंगे आज। देखते हैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ट्रॉव हो गया स्टार्ट। अभी चलते हैं अनुगुल चलते हैं। हम अभी अनुगुल जा रहे हैं। अनुगुल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा। थोड़ा मेडिकल में काम है, मेडिकल काम खत्म करके फिर रिटर्न आएंगे। और ये जो नज़ारा है देखिए, कितना अच्छा है, प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त सीन है। व्यू देखिए कैसा है, ज़बरदस्त व्यू है। ये अनुगुल FCI रोड है, ये रोड। आज लॉन्च घर में नहीं होगा शायद, होगा नहीं? नहीं होगा ना, नहीं, क्योंकि अभी कितना टाइम हो गया, अभी लगभग 11 बज चुके हैं, 11:30 हो चुका है। तो 1.5 घंटा तो लग जाएगा ऐसे, तो रिटर्न करने में कम से कम 2.5 हो जाएगा। तो लंच देखते हैं कहाँ पे करेंगे, कोई अच्छा होटल अगर मिल जाए तो करेंगे। अभी गणेश पूजा का माहौल है तो नहीं, तो जगन्नाथ मंदिर चले जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर तो अनुगुल में है, अनुगुल तो हम जा रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम देखें। ये FCI का मुंडा बाजार है, ये मतलब FCI के अंदर जो कॉलोनी है वहाँ का सीन है। जबरदस्त, पूरा ग्रीन ग्रीन, पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है जी ये भाई, पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है भाई साहब, मस्त व्यू आ रहा है भाई। ये एरिया, ये हैवी वाटर का एरिया है FCI का। ये FCI का है? ये FCI का एरिया है ना, मैंने सोचा कि नालको का। नहीं नहीं, नालको नहीं, ये FCI है। नालको इतना जल्दी नहीं आएगा, और 10-20 मिनट लगेगा ना, 10-12 किलोमीटर और भी बाकी है। यहाँ पर एक पार्क था ना, पार्क तो मैंने कभी देखा नहीं, पार्क डियर पार्क या कुछ ऐसा कुछ नहीं। डियर पार्क तो नालकू में है, नाम तो नहीं है, डियर पार्क नालकू में, गायत्री चेतना केंद्र ये, इसके अंदर, इसके अंदर गायत्री का मंदिर है, गायत्री का चेतना केंद्र है, मंदिर नहीं है। ये जो पेड़ बहुत अच्छा लगता है, ये जो ये वाला पेड़, ये कौन सा पेड़ है, जामुन का है क्या शायद, लगता है तो जामुन का पेड़ जैसा लगता है। हाँ जामुन का पेड़ है, बहुत सारा यहाँ पे करी पत्ता भी बहुत मिलता है, वो जो पीछे हम छोड़ के आए, करी इतना करी पत्ता, वाह वाह बहुत करी पत्ता, करी का जो गच्छ है वो बहुत। ये देखिए रास्ते में गाय, गाय आजकल ज्यादा घूमते हैं रास्ते में, तो क्या करते। देखिए ये FCI का जो छक है कुकडांग जाने के लिए, देखते यहाँ पे दही बड़ा मिलता है। और ये देखिए, ये पूरा धूप का दिन में आएगा ना, यहाँ पे बहुत छाई है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब धूप नहीं है यहाँ पे,
क्योंकि इतना पेड़ है यहाँ पे। ये आ गया कुकडंग एरिया, ये एरिया पूरा कुकडंग ही, ये कुकडंग का प्राइमरी स्कूल है। हाँ प्राइमरी स्कूल है ये। और ये जो रोड है ये सिंगल रोड है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब अनुगुल जाएंगे तो कम से कम 30 मिनट, 20-30 मिनट कल्चर से गांव से गांव के अंदर है ना ये रास्ता, इसीलिए ये गांव का रास्ता है। मतलब ये इतना क्या वो जो बोलते हैं उसको हॉम्स है, इतना ये स्पीड ब्रेकर, बहुत स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे। मतलब 100 मीटर 200 मीटर के आसपास एक स्पीड ब्रेकर है। यहाँ पर क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गणेश पूजा हो रहा है, देखिए टायर में कितना जबरदस्त बना है, दिखाओ थोड़ा। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा टायर में बना हुआ है, जबरदस्त लग रहा है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं पूरा देखिए छोटा से लेकर सब सब कितना कलरफुल लग रहा है भाई ये, अरे बाप रे बाप, मस्त लग रहा है। ये साई फार्मा मेडिसिन स्टोर है यहाँ पे, यहाँ पे गांव के लिए अच्छा है। देखो ना ये जो क्या कहते हैं इसको, ये कांसी का फूल है, कांसी का फूल बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चीज है, मतलब देखने में सुंदर लगेगा। यहाँ पर के होटल था उसमें कॉटेज की तरह, हाँ। वो तो पीछे चला गया, ये दिखाओ ये दिखाओ, ये ताल का फार्म ट्री का, फार्म ट्री ये भी अच्छा लगेगा, बढ़िया। यहाँ पे भी कुछ पार्क था ना, ये एरिया देखो देखने में सुंदर लगेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक पार्क पड़ेगा, चिल्ड्रन पार्क, जो कोई भी जा सकता है, चिल्ड्रन नहीं कोई भी जा सकता है। हाँ। ये पूरा देखिए छोटा सा नदी है, मतलब छोटा सा नदी है, और ये पार्क देखिए झील है। हाँ। नदी नहीं झील है। यहाँ ये जो एरिया है ना ये कहीं पे नहीं मिलेगा, मतलब ये इतना ठंड लगेगा यहाँ पे, मतलब धूप का दिन में भी ठंड लगेगा यहाँ पे। ये पूरा अलग है देखिए, ये पूरा पार्क है, ये तो 2-3 साल हुआ है बना हुआ है, पहले तो नहीं था। यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट भी है, ये पिकनिक स्पॉट है राइट साइड में, ये पूरा पिकनिक स्पॉट देखिए। हाँ ये झील में देखिए ये पानी कितना है, यहाँ पे कितना बढ़िया व्यू है, यहाँ पे देखिए पूरा ग्रीन 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 लगेगा, मस्त मस्त व्यू है। यहाँ पर ना ताजा ताजा मछली भी मिलती है। हाँ छोटा मछली ज्यादा मिलता है यहाँ पे, मतलब विटामिन ज्यादा है उस मछली में। यहाँ पर क्या आश्रम भी है, ये देखिए जो पेड़ लगा हुआ है ना कितना जबरदस्त है भाई, मस्त लग रहा है पूरा, सुपर नेक्स्ट लेवल भाई। यहाँ पे देखिए ये जो पेड़ है ना कितना जबरदस्त पेड़ है, मतलब धूप का दिन में बट अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो एरिया है ना मस्त एरिया है भाई, कहीं पे भी नहीं मिलेगा भाई। ये जो पास में ये क्या है इस तरफ, वो आसपॉन्ड है, नालको का आसपॉन्ड है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में नालको का आसपॉन्ड है, पूजा मंडप है। ये देखिए गांव का कम्युनिटी का पूरा पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे, लिच्ची लाइट, गांव का नजारा कुछ अच्छा लगता है, गांव शहर से ज्यादा अच्छा गांव में। हाँ गांव 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 जैसा मतलब माहौल नहीं लगेगा, ये बारिश का टाइम में गांव में भी बहुत अच्छा लगेगा, शहर में रहने से क्या है गांव का फील नहीं लगेगा, मतलब वो यहाँ पे भी देखो बच्चे कितने अच्छे से गणेश पूजा हो रहा है, आज भी सर्जन कर रहे हैं कुछ, देखिए कितना अच्छा है, क्या है ये। तो अभी आ गए अनुगुल, ये मेडिकल रास्ता। हाँ ये मेडिकल का रास्ता है, मेडिकल को रास्ता है, यहाँ पे आगे चंदन नर्सिंग होम है राइट साइड में पड़ेगा ये वो आगे चंदन नर्सिंग होम है आगे वाला बिल्डिंग में, ये वाला से देख के
मेरे हिसाब से चले जाएंगे किधर, मेरा जो मामा है ना उनको दर्शन कर ले। वो तो नहीं है, घर पर चले गए। कहाँ कहाँ चले गए? हाँ वही गांव तो बोल रहा हूँ। ये कौन है, पूजा के लिए दिए हैं क्या? पता नहीं क्या है। नहीं, तो हनुमान जी का है। हाँ ये पूरा आनंद का सब्जी मार्केट है, देखो ताजा ताजा सब्जी है। अच्छा बढ़िया सब्जी है, पूरा ये जो एरिया है ना पूरा फ्रेश लगता है। सब्जी मार्केट है, पूरा सब्जी मार्केट, जो भी चाहो सब मिल जाएगा। ये ऑन ये तो नहीं है ना, मुझे पता नहीं, बस तो शायद आगे जाना पड़ेगा। ये अनुगुल मेडिकल है, गवर्नमेंट मेडिकल। कितना एम्बुलेंस देखिए, पूरा खड़ी है, बहुत एम्बुलेंस। यहाँ पे भी जगह नहीं है गाड़ी रखने के लिए, एक भी जगह नहीं है। यहीं पर तो रास्ता था ना, यहीं पे रास्ता बंद हो गया क्या? हाँ हाँ बंद तो है, बंद है क्या? हाँ गाड़ी यहीं पर रखते हैं। वेटिंग एरिया है, अनुगुल मेडिकल का वेटिंग एरिया, वेट किए हैं अभी। मेडिकल का काम पूरा हो गया, अभी घर जाएंगे हम। ठीक है चलते हैं, आगे चलते हैं। अरे भाई ट्रेन देखो, ये मालगाड़ी है, ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? ये संबलपुर जा रहा है शायद, और ट्रेन आ गया बीच में फाटक में, हम खड़े हैं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट लगता है, 2 मिनट के अंदर वो भाग जाता है। ट्रेन का स्पीड भी है ना, काफी स्पीड है ये, 58, मतलब ये जो कंटेनर है ना 58 कंटेनर है। मैंने एक दिन गिनती किया तो 58 कंटेनर है। देखिए खत्म नहीं होता है भाई, चलता है चलता है चलता है, 2-3 मिनट से तो चल रहा है। अरे भाई खत्म हो गया, अभी चलते हैं फिर। तो हम अभी आ गए घर अनुगुल। मैं बोला था आपको 2 बजे के आसपास लगेगा, अभी 2 भी बजा नहीं है, हम घर आ गए, घर पहुंच गए। अंधेरा ही अंधेरा दिखा रहे, आगे का चलो चलते हैं, लॉन्च करते हैं। लॉन्च में क्या है देखिए, टाइम नहीं मिला आते आते, 2 बज गया, इसलिए मार्केट से बिरयानी लाया, जो कि फेमस एक बिरयानी सेंटर है तालचेर में, हाटटोटा में, तो वहां से लिया। स्टार्ट करते हैं चुंबर से, अच्छा चीज मैं दिखाऊंगा आपको, चिकन लेग पीस। वाह मस्त एंड सुपर, जबरदस्त टेस्ट है। टाइम नहीं मिला आते आते, 2 बज गया, इसलिए मार्केट से बिरयानी लाया, जो कि फेमस एक बिरयानी सेंटर है तालचेर में, हाटटोटा में, तो वहां से लिया। स्टार्ट करते हैं चुंबर से, अच्छा चीज मैं दिखाऊंगा आपको, चिकन लेग पीस। मस्त सुपर,
जबरदस्त टेस्ट है। डिनर में क्या है? डिनर में रोटी, एग करी और राइस। राइस है ना, राइस एग करी तो कलरफुल है, मतलब ये एग करी बहुत अच्छा कलर है, मस्त लग रहा है भाई।